はいはい、भगवान शंकर के परिवार में कभी तोड़ना नहीं सिखाया कि तोड़ना सिखाया। शंभु शरणे परमे मांगू घड़ी घड़ी दुख काहू दया करी निदर्शन केवल शिव के परिवार में भगवान शंकर जोड़ना सिखा रहे हैं कि उन्होंने चूहे को भी अपने पास रखा तो सर्प को भी अपने पास रखा, तो मोर को भी अपने पास रखा, तो शेर को भी अपने पास रखा, तो नंदी को भी अपने पास में रखा, उन्होंने बिच्छू को भी अपने पास में रखा, तो गणों को भी अपने पास रखा, देवताओं को भी अपने पास रखा, तो देवियों को भी अपने पास में रखा। वैद्यनाथ जी के मंदिर में जब अपन जाते हैं आप दर्शन करिएगा, जब भी परली में आए और परली वैद्यनाथ के दर्शन करने को आप जाएं, तो भगवान शंकर के मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर जब आप दर्शन करेंगे तो बाहर निकलते से ही माता पार्वती जी विराजमान। बिल्कुल बाहर बैठी हुई एकदम गेट और गेट के अरे बोलो तो पास तुम्हारे अंदर जाने की सूचना सबसे पहले पार्वती जी दे देती हैं कि कमला आई है और अंदर प्रवेश कर रही है, जल चढ़ाने आई है, अभिषेक करने आई है, शिव जी को रिझाने के लिए आई है। जितने भी दुनिया में मंदिर हैं सारे मंदिरों में पार्वती जी अंदर हैं। परली वैद्यनाथ में और काशी में पार्वती जी मंदिर के बाहर। कोई अंदर तक भी ना जा पाया, कोई अंदर भी प्रवेश ना कर पाया, तो पार्वती जी उसे बाहर से देख लेती है कि कोई आया था और हाजिरी लगाकर गया है, मतलब उसने शिव जी का दर्शन कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। ये पार्वती जी एक मोहर लगा देती है, माता पार्वती जी एक सील लगा देती हैं कि कोई आया और जल चढ़ाकर पूजन कर कर गया है, शिव आराधना कर कर गया है। संपूर्ण परिवार शिव जी का। अगर प्रेम नहीं होगा तो कोई साथ में रहेगा क्या? अरे बोलो तो जम गया, नहीं रहेगा ना। प्रेम है तो चार भाई एक साथ रह रहे हैं, प्रेम है तो ननंद साथ में रह रही है, प्रेम है तो देवरानी जेठानी साथ रह रही है, प्रेम है तो सास ससुर साथ रह रहे हैं। प्रेम नहीं होगा तो कौन साथ में रहेगा? शिव महापुराण की कथा शंकर जी के चरित्र कथा है कि जितना मनुष्य ने जन्म जीवन दिया है, मनुष्य का जो जीवन जितना मिला है, मानव का शरीर जितना मिला है, इसको प्रेम से रही है। रहना है तो प्रेम में रह लो, प्रेम में तो रहना ही है, आज नहीं तो कल। फ्रेम देखिए फोटो की,
अरे बोलो तो जम के रहना।